ईयरफोन, एयरपॉड्स, जो भी आजू बाजू अपने कान में डालो और वीडियो का मजा उठाओ। ओके, सो ये वीडियो चालू करने से पहले रमजान मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक यू फॉर 600 सब्सक्राइबर्स मोर टू कम। एज इफ यू आर डोंट नो, द टू लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड पास्ट अवे, ऋषि कपूर एंड इरफान खान सर, यू विल ऑलवेज चेंज अवर हार्ट। May your soul rest in peace. We love you, sir. We love you. तो आप आए, क्या हाल चाल सभी के? आज भी आ गया एक मस्त वीडियो लेके तुम्हारे लिए। वाह मोदी जी वाह। भाई और उनकी बहनों, पहले खाली आमिर खान सर आते थे, सॉरी आमिर सिद्दीकी आते थे, अभी अदनान सामी भी आ गए, सॉरी अदनान 07 भी आ गए साथ में। बे साले। अच्छा सुन शाबाश, अपनी दोस्ती कैसी है? राजा भाई कद्दू, सॉरी सद्दू और अदनान जैसी तू मार का है और मैं साइड में जाके देखू खाली कैसे मार रहे पब्लिक तेरे को। मजा आया। सबसे पहले आमिर सिद्दीकी ने अपने इंस्टाग्राम IGTV पे ये वीडियो डाला था, यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स का, मतलब सब लोग टिकटॉकर्स यूट्यूब पे आ जाएंगे, तो ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा। उसने वही वाला वीडियो 2 दिन में टेक डाउन किया था, खाली 2 दिन में। क्यों? क्योंकि उसको कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी गालियां आ रही थी क्योंकि उसने बहुत कुछ गलत बोला और वो किसको भी पसंद नहीं आया यूट्यूबर्स को। उसको क्या लगा कि हम लोग का ध्यान नहीं जाता उसके IGTV पे? हाँ, तूने 2 दिन में वीडियो टेक डाउन किया था बेटा, और तूने कल स्टोरी में क्या डाला, ये डाला तूने अपनी स्टोरी में। तो मेरा पहली तो बात ये बोलना है कि तुम रोस्ट, पहली बात इंडियन कल्चर नहीं है रोस्ट करना किसी को, वो फॉरेन कंट्री से लिया गया हुआ है। अबे रोस्ट इंडियन कल्चर नहीं है तो तू कौन सा ऐप यूज कर रहा है? टिकटॉक। अबे माना रोस्टिंग इंडियन कल्चर नहीं है, लेकिन तू कौन से ऐप को सपोर्ट कर रहा है? चाइना के ऐप को तू सपोर्ट कर रहा है, वो भी देख। शावन बैट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल्ला बोलते भाई, बस ना। अबे उड़ने वाला बैट उसको क्या बोलते हिंदी में? चमगादड़। बस ना, इतना भी नहीं मालूम तुमको? क्या जा जाओ भाई, क्या तुम रोलिंग करेंगे? अबे चमगादड़ खाते वो लोग, चमगादड़। ए शाबन, टिकटॉक अनइंस्टॉल कर, अभी अनइंस्टॉल कर, कर। Why are we still here? रोस्टिंग इंडियन कल्चर नहीं है, चल ठीक है, तू अपने चाइनीज ऐप के चक्कर में हम लोग सब इधर बैठे उसका क्या, वो ठीक है? हाँ वो ठीक है। Control, उदय। अब तू सुन बेटी चोद साले, तुझे अब तक किसने रोस्ट ही किया था? ठीक है, तू अपने सामने से देने आया आधा चोद के बच्चे। और फिर उसके बाद अगर तुम कोई लड़की को बॉडी शेम करते हो सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए या एंटरटेन करने के लिए या व्यूज के लिए या कोई भी पर्पस के लिए, तो लड़कों को बॉडी शेम करूँ वो चलेगा? हाँ वो चलेगा, लड़कों को बॉडी शेम करूँ तो? अबे तू भी लड़कियां को देखता होगा, समझा? इंडिया में तू, ठीक है, इतना भी एक बात समझ ले, तू भी इतना दूध का दूल्हा नहीं है जो लड़की को नहीं देखता होगा, वो लड़की के बारे में किसी और को नहीं बोलता होगा, तू भी वैसा नहीं है, समझा? अरे आमिर मेरे भाई, क्या कर रहा है तू? अब तू क्या कर रहा है मालूम? सिंपथी गेन करने की ट्राई कर रहा है तू, सिंपथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। भाई कितना खेलेगा विक्टिम कार्ड तू? भाई ये सबसे कुछ नहीं मिलने वाला, तेरे को भी ये समझ आना चाहिए अभी तक। लड़की को बॉडी शेम कर रहा है, अब मैं तुझे चूतिया बोल रहा हूँ तो मैं उसको भी बोलूंगा ना भेंचोद? अबे लड़की है तो क्या हुआ, गाली उस पे भी अप्लाई होती है? नहीं होती है ना। अब ये हम लोग क्या करे या कोई दूसरा भी क्या करेगा? इंडिया में आधे से ज्यादा गालियां लड़की पे बेस है, तो जा अपने दूसरे को बोल, जा नई गाली निकाले मार्केट में। अब ये नई गाली सुन, अभी अभी मार्केट में आई है भाई, मैंने लाया अभी मार्केट में ये, अब सब बोलेंगे तेरे भाई की चूत। अब बोल लड़की को बॉडी शेम कर रहा है, गलत बात है। लड़के को भी बॉडी शेम कर रहा है, वो भी गलत बात है बैंक। जेंडर क्यों घुसड़ रहा है तू इसमें? इन्फ्लुएंसर है हम। अबे लंडले मेरा चूत है, क्योंकि लोगों को टिकटॉक पसंद है। पहले सेलिब्रिटीज नहीं थे प्लेटफॉर्म पे, सेलिब्रिटीज आ गए, यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स आ चुके। कुछ कॉमन सेंस में थोड़ा सा भी लॉजिक है? इतना सा नहीं है। सेलिब्रिटीज का चूती है, पहले वो लोग यूट्यूब पे आ रहे, बाद में टिकटॉक पे आए, समझा? प्रियंका चोपड़ा, जैकलीन, अजय देवगन, काजल अग्रवाल, और भाई ये लोग 15 सेकंड से ऊपर ही वीडियो बना रहे यूट्यूब पे। मैं एक बात बोलूं तुझे भाई, तू जब भी किधर भी कुछ भी बोलता है ना, कुछ लॉजिक नहीं होता उसमें, तू करना कुछ और चाहता है, तेरे से हो कुछ और जाता है भाई। तू मेरे, तू यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, वो एक बात समझ, तू बात कम करना चाहता है लेकिन तेरे से हो कुछ और जाता है और उस पर वीडियो बन जाती है, और तू वो वीडियो को लेके आके अपने इंस्टाग्राम पे कुछ भी बोल देता है।
हाँ भाई देख, टिकटॉक अलग अलग प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। टिकटॉक अलग सिस्टम से चलता है, यूट्यूब अपना अलग सिस्टम से चलता है। तू आया यूट्यूब पे, तेरा चैनल मैंने देखा, देखो आधे सब्सक्राइबर्स आधे व्यूज वो SRK के वजह से मिले, वो प्रैंकस्टर जो भी है वो। और तू भाई एक व्लॉग बनाया, उसमें तेरे फ्रेंड्स थे, बाकी सब तूने क्या किया था उसको टाइम लैप्स किया था थोड़ा ही। और भाई क्या बोल रहा है तू भाई, व्लॉग था ही नहीं वो, तू व्लॉग बनाने की ट्राई किया लेकिन वो व्लॉग बना नहीं। आमिर भाई ये बात तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन तू कुछ अच्छा करने गया हो गया कुछ और, लेकिन तेरी जो फर्स्ट IGTV वीडियो जो थी ना, वो रिक्वेस्ट वीडियो होनी चाहिए थी, जिसके बारे में तू अपने लाइफ पे बात किया, लड़की का क्यों बोल रहे हो, लेकिन तू अभी भी उस पे अटका हुआ है। और तू क्या बोला, मेरे घर पे माँ बहन है सब वीडियो देखते। भाई मेरे घर पे भी माँ बहन है, वो लोग भी वीडियो देखते हैं मेरा, ठीक है, वो लोग भी वीडियो देखते हैं मेरा, मैं भी कुछ आसमान से आके लटक दे गया इधर। लेकिन अभी छोड़ ना, जो भी तेरे को गालियां आ रही है, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको इग्नोर करने के अलावा, देयर इज नो ऑप्शन, जस्ट इग्नोर एंड लिव। कुछ फर्क पड़ने वाला है तेरे को उससे, तू बड़ा बोल रहा है लाइव पे आके इंस्टाग्राम स्टोरी डाल के कि हाँ मेरे व्यूज बढ़ रहे, तो क्यों बोल रहा है तू अपने लाइव पे वापिस आके, तूने उसके एक दिन पहले ही रात में दोपहर में तूने वीडियो डाला था, ठीक है, मेरे व्यूज बढ़ रहे, मेरी एंगेजमेंट बढ़ रही है, तो क्यों तू वापस लाइव पे आया, एक नंबर बोला। लेकिन तू बोल रहा कुछ भी है, मेरे घर पे माँ बहन है, भाई मेरे घर पे भी माँ बहन है, उधर सेलिब्रिटीज है इधर भी सेलिब्रिटीज है, लेकिन गाली उसने बोला मैंने नहीं। अच्छा मैं बोला ठीक है, लौड़ा तूने अभी तक जिंदगी में एक भी गाली नहीं दिया, ये तेरा कोई भी फैन है ना भाई मानने को तैयार नहीं होगा, इंडिया इधर बच्चे से लेके बड़े तक सब गाली देते, नॉन सेलिब्रिटीज से लेके सेलिब्रिटीज तक सब गाली देते, शाबर राजा से लेके लोगन पॉल तक सब गाली देते कुछ भी। ये टॉपिक था टिकटॉक और यूट्यूब, बट तुमने इसको रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। तुम बोल भाई मैंने अभी तक 25-30 वीडियो देख लिया, अभी तक किसने भी उसमें से रिलीजन ना लिया बीच में, तू बात कर रहा है इधर रिलीजन की। और एक बात भाई, सबसे उस दिन कभी तेरा 1-2 साल पहले झगड़ा हुआ था, उधर भी बात यही हुई थी, अगर तेरे को याद है तो, समझा क्या, तू पहचानता है वो अदनान कौन है? नहीं। अदनान पागल सा एक बंदा है, अगर वो बोल दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अदनान कौन है, सिंगर है, सॉरी 07 ओके, अदनान पागल सा बंदा है, अबे पागल सा बंदा है एमीवे, सॉरी वो पागल सा रैपर है, मैं पागल सा रैपर हूँ, मजाक है क्या, बैंड्रा में मार खाया था वो अदनान 07, अबे कोई भी है वो अदनान बिदनान जो भी है, फैसू हसनैन कद्दू जो भी है भाई, फर्क नहीं पड़ता, इन लोग जाहिल लोग है, हम लोग जाहिल है, तुम लोग ने टिकटॉक बनाए, हम लोग ने रिएक्ट किया बस, दैट्स इट, तुम लोग टिकटॉक बनाना छोड़, रोस्टर्स लोग जो भी है वो लोग रोस्ट करना छोड़ देंगे भाई, एक तरह से वो लोग तुम लोग को भी शाउट आउट दे रहे, व्यूज तो आ रहे ना उस पे, आ रहे या नहीं आ रहे भाई वो तो एक बोल, अदनान एक तरह से वो भी शाउट आउट हुआ, या बोल रहे उधर व्यूज आ रहे। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी हम लोग के ग्रुप का नाम लिया गया, मेरे ग्रुप का, कि इन लोग का बैकग्राउंड क्या है, इन लोग की हैसियत क्या है, तो हम लोग की हैसियत बताने वाले इन लोग कोई नहीं है भाई, तेरे को तेरी हैसियत मालूम है ना, तो अपने तक रखना क्यों इधर बोल रहा है लाइव पे, तूने यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत किया ना अदनान, तो तेरे तक रखना, लाइव पे बता रहा क्यों है सबको, कुछ जरूरत है, तेरे को मालूम है, तेरे पेरेंट्स को मालूम है, तेरे दोस्त लोग को मालूम है, रखना उधर तक, सबको क्यों बता रहा है, कुछ बताने की जरूरत है ये बात को, कोई राह चलता लड़का तेरे को बोल देगा ए टिकटॉक के वर्कर, क्या तू उसको तेरी पूरी स्टोरी बताएगा, तेरा पूरा स्ट्रगल बताएगा, तेरी मेहनत बताएगा, नहीं ना, मजाक नहीं भाई सीरियसली पूछ रहा हूँ, नहीं बताएगा ना, तो छोड़ ना, क्यों आ रहा है बात को समझ ना, इतना तो अक्ल तेरे में भी है, मेरी हैसियत बताने वाला वो कौन होता है, अबे तू रखना अपने पास, मेरे भाई अदनान रमजान चल रहा है तो मजे ले रहे क्योंकि तू दे रहा है, मेरे भाई दे रहा है तू मजे हम लोग को, के लो आओ हमारी गांड मारो आके, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, माँ बहन को गाली नहीं देते इन लोग की, माँ बहन को इन लोग लगता है इज्जत नहीं देते हैं, तूने आज तक किसी को गाली नहीं दिया, बोल भाई ये आंसर सबको मालूम है, तेरे 12-13 मिलियन जितने भी है ना सब लोग को मालूम है, ठीक है, तू बड़ा लड़कियों को रिस्पेक्ट कर रहा है भाई, लड़कियों को तू भी रिस्पेक्ट नहीं करता, एक बात वो भी समझ, समझा, माँ बेटे की बात अलग, तेरे तो हम भी रिस्पेक्ट नहीं करते भाई, पहले करता था अभी नहीं करता, मैं कसम से बोल रहा हूँ, जब से वो तेरा लाइव वीडियो देगा ना सबको गाली देता है वाला, तब से मैं तेरी इज्जत नहीं करता, घंटा
सारे कॉकरोच के लंड। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट उनकी करो जो डिजर्व करते हैं। हर जाट भर की औरत के लिए रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। फिर वो तुम्हारा चूतिया काट के जाएगी, तुम लोग की गांड फाड़ के जाएगी। भेंचोद कुछ भी बोल रहा है बैठे बैठे। ए और सुन भेंचोद, सुन एक बात सुन, जो मेहनत करता है उसकी इज्जत करने को आता हम लोग को। जस्ट बिकॉज वो लड़की है, जेंडर के साथ पैदा हुई, वो बात की इज्जत करे। जो लड़की भेंचो दूसरे की गांड मार के जाते हो, वो बात की इज्जत करे। तू 15 सेकंड के लिए टिकटॉक पे आके मुछड़ा करते है, वो बात के लिए इज्जत है तू देखो। कंट्रोल कंट्रोल उदय। और साले उखाड़ा क्या है तूने भाई? मैंने ऐसा स्पेस किया भाई, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट किया अक्षय कुमार के साथ, तो क्या भोसड़ी के ये सबसे ना हम लोग को लंड फर्क नहीं पड़ता है, समझा? तू ये सबसे पैसे छाप रहा है ना, छाप साले फटेले चूत के बाल 07 लौड़े कॉकरोच के अंडे। अबे साले इतनी भर भर के काले दूंगा ना, तू भी सोचेगा 15 सेकंड टिकटॉक पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, मुझड़ा करूं या नहीं करूं। ये वीडियो तू देखेगा ना कभी इन फ्यूचर, मिल गई बाय मिस्टेक तो मैं तुझे मेरा नंबर दूंगा, तू मुझे तेरा नंबर देना, मैं तुझे मेरा एड्रेस दूंगा। विल सिट इन वन रूफ एंड हैव अ चैट। लड़कियों की इज्जत करो। तूने क्या बोला अपने इंस्टाग्राम पे आके लाइव पे? रमजान के बाद एक वीडियो बनाऊंगा, सबकी बोलती बंद करूंगा। अब मैं बोल रहा हूं तेरे को, मैं वीडियो का वेट करूंगा। अगर वाले वीडियो में थोड़ा सा भी लॉजिक नहीं हुआ ना भाई, मैं तेरे पे रिप्लाई वीडियो बना दूंगा, भाड़ में कह दूंगा, मुझे लंड फर्क नहीं पड़ता।